नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब बिहार बीएड का जो सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2018 का 15 जुलाई को, उसमें जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, आंसर की देखेंगे, जिससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो आप इसी तरह का यूजफुल वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमें अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो उससे रिलेटेड आपको सभी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वहां पर दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे देख सकते हैं। तो आप हमें अनअकैडमी में फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार बीएड का जो पेपर हुआ है सीईटी के थ्रू उसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये जो सेट है दोस्तों मैं बता दूं, सेट डी है, ठीक है। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है? तो यह होता है द्विगु समास। इसके बारे में मैं बता दूं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन जो आया था वह आया था कि निम्नलिखित लोकोक्ति में सही अर्थ का चयन कीजिए, और जो लोकोक्ति दिया गया था वो दिया गया था काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका मतलब होता है छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता, एक आध बार चल गया तो लेकिन हमेशा नहीं चलता। देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्पुरुष तो आपको दिया गया है लेकिन किस तत्पुरुष का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होगा संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे का देश का भक्त है, यानी का की जो आता है ये आता है संबंध में, तो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवन में कौन सी संधि है? तो पवन का सबसे पहले आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पो जोड़ अन होता है और ये है आयादि संधि। आयादि संधि जो बनाने का रूल है तो वो होता है ओ प्लस अ बराबर औ जोड़ ए, ठीक है। तो ये है आयादि संधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 था, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आ जोड़ छादन। तो आप मिला सकते हैं, आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन था, सरह जोड़ ज का संधि रूप क्या होगा? तो होगा सरोज। 22 था, नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये होगा नमः जोड़ ते, नमस्ते, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर था, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अलंकार के बारे में पढ़ा है तो ये आपका हो जाएगा रूपक। और इसके पीछे जो तथ्य मैं बता दूं आपको, देखिए रूपक का मतलब होता है मेटाफर, और उपमेय पर उपमान का आरोप, या आप उपमान और इसमें उपमेय जो है इसका अभेद ही रूपक कहलाता है, ठीक है। इसके लिए तीन बातों का होना आवश्यक होता है, क्या क्या, तो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होना, और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन, इन तीनों बातों को ध्यान में ही रख के रूपक अलंकार बनाया जाता है। और देखिए अंबर तारा और उषा जो आप देख रहे हैं ये उपमेय है, और पनघट घट और नागरी जो है ये उपमान है, ठीक है, उपमान का आरोप है। और वाचक पद जो है नहीं आए हैं, और उपमेय प्रस्तुत किया गया है, और उपमान जो है ये अप्रस्तुत है, तो दोनों के साथ साथ वर्णन हुआ है, इस वजह से यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। 24 नंबर है, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? तो आपको पता है जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है वो होता है कर्मधारय, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहां पे जो आएगा वो आएगा क्या? सप्ता, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वन, ऑप्शन बी। 27 है, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब पुरुष पूर्व भाग में जुड़कर कोई नया शब्द जो बनता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें आई प्रत्यय लगा है। उसके बाद है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो है रत्ती, ऑप्शन डी। और जो 30 नंबर क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, वो है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसकी संख्या होती है 16।
तो इस तरह से सारे जो हिंदी के क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुए, तो आप मैच करके देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और मैं बता दूं आपको इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का आंसर की अवेलेबल हो जाएगा, आपको कुछ ही देर में इंग्लिश का मिल जाएंगी, उसके बाद रीजनिंग का भी मिल जाएगा, तो आप पूरे ओवरऑल कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप उसे मैच कर सकते हैं। और मैं बता दूं कौन से क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो आप हमें आने के पर जरूर फॉलो कीजिए जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलता रहे, और मैं बता दूं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, और वहां पे सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको मैं वीडियो दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।